हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो है प्रोमोटर की हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ। मतलब कि प्रोमोटर्स की बड़ी हिस्सेदारी तो शेयर में आया ज़बरदस्त उछाल, तो ये तो लाजमी है। अगर जब भी प्रोमोटर में जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स जाता है। जब भी प्रोमोटर की हिस्सेदारी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स के माइंड में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जाता है, तो लोग खरीदारी करते हैं ऐसे मौक़ों पे। ऐसे मौक़ों को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि प्रोमोटर जब हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो उसका पॉजिटिव जो सेंटीमेंट इसलिए जाता है ताकि क्योंकि प्रोमोटर्स ही सबसे ज़्यादा जानते हैं उस कंपनी के बारे में। उनको इन एंड आउट, दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कंपनी। और जो भी उनका प्रॉफिट है, लॉस है, इधर हमें प्रॉफिट होगा और हमें लॉस होगा, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। जो भी ग्रोथ पैटर्न्स हैं कंपनी के जो आने वाले फ्यूचर के बारे में, प्रोमोटर्स से ज़्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जान सकता। तो इसीलिए प्रोमोटर्स की इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ी है तो शेयर में उछाल भी आया है। चलिए बात करते हैं कौन सी कंपनी है ये जिसके शेयर में आया है उछाल, जहाँ बढ़ी है प्रोमोटर की हिस्सेदारी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब ये देखिए, ये कंपनी कोई और नहीं, आयनॉक्स लेजियर लिमिटेड, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर की ये कंपनी है, आयनॉक्स लेजियर लिमिटेड। अब आयनॉक्स लेजियर सुने, मतलब जिसके मल्टीपल स्क्रीन है, मल्टीप्लेक्सेस हैं, बहुत सारी स्क्रीन्स हैं आईनेक्स लेजर की पूरे ऑल ओवर इंडिया में, बहुत सारी सिटीज में। 217 का इसका शेयर का प्राइस है। आज के दिन में ऑलमोस्ट 2-4% के अराउंड उछला था ये, और अभी जो है 2.29% के उछाल के साथ 217 पे बंद हुआ है आज की डेट में। 52 वीक लो 189, 52 वीक हाई 326। तो अभी ये शेयर जो है अपने ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ डाउन पे अभी मिल रहा है 52 वीक हाई से अपने। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयनॉक्स लिमिटेड, 4% का उछाल आफ्टर इंक्रीज इन प्रोमोटर शेयर होल्डिंग बियॉन्ड 50%। मतलब कि अभी तक जो प्रोमोटर की होल्डिंग थी वो 50% से नीचे थी और अब बढ़ के जो है उछल के 50% को पार गई है। न्यूज़ देखिए, द कंपनी विल अलॉट शेयर्स टू गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। अब गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स आप सोच रहे होंगे कि क्या है, अरे यही तो है भैया इस कंपनी आयनॉक्स लेजर की प्रोमोटर कंपनी, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, केमिकल सेक्टर के टॉप की कंपनी गुजरात GFC, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। अब क्या है कि जो इशू होंगे, जो अलॉट होंगे शेयर गुजरात फ्लोरो केमिकल को, वो 250 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से एलोकेट होंगे और 160 करोड़ के एलोकेट होंगे। तो अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया, 160 करोड़ के एलोकेट होंगे शेयर्स। तो किस तरीके से, तो देखिए आयनॉक्स लेजियर रैलीड अ मोर देन 4% इन इंट्राडे फ्राइडे, जो आज की बात है प्रोमोटर्स की जो इंक्रीज शेयर होल्डिंग इंक्रीज देखते हुए। तो ये देखिए, और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स मेन प्रोमोटर है इस कंपनी का। देखिए गुजरात फ्लोरोकेमिकल मेन होल्डर, शेयर होल्डर है इस कंपनी का, प्रोमोटर है इस कंपनी का, अच्छी बात है। पहले जो शेयर होल्डिंग थी वो 48.09 थी और अब होगी वो 51.32%, मतलब 50% से ऊपर का बहुत माना जाता है इस चीज़ में, भैया 50% के ऊपर की हिस्सेदारी हो जाएगी, 51.32%। चलिए जानते हैं आयनॉक्स लेजर के बारे में और डिटेल में। सबसे पहले बताते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है इस मल्टीप्लेक्स, मतलब जहां आप देखते हो मूवी, जिसके हैं थिएटर्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 2000 करोड़ को क्रॉस करके आया, 2100 करोड़ होने को है। पी रेशियो 17 की है, जहाँ पर इंडस्ट्री पी 27 की। EPS अर्निंग पर शेयर देखिए 12 से 13 रुपये के बीच में है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.98 का है, क्योंकि बुक वैल्यू 72 की है और फेस वैल्यू कितनी की है, 10 रुपीज़ की। आयनॉक्स लेजर रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट कैसा रहा कंपनी का। कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखिए, 325 करोड़ की सेल, 323 करोड़ की सेल, 414 करोड़ की सेल, 365 करोड़ की सेल। सेल में धीरे धीरे जंप देखने को मिल रहा है और आप देखिए लगातार 300 से 400 के बीच में सेल की फिगर जा रही है। टोटल डेट देखिए 219 करोड़ का, टोटल एसेट 922 करोड़ की कंपनी के। नेट प्रॉफिट देखिए, सितंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट मात्र 12 करोड़ का देखने को मिला है, लेकिन उससे पहले देखिए 36 करोड़, 57 करोड़ और 13 करोड़, इस तरीके से नेट प्रॉफिट था। और अब बात करते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जैसे मैं आपको बता रहा था 48.70 की शेयर होल्डिंग पैटर्न हो जाएगी अभी 51% प्रोमोटर्स की, तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है। पब्लिक FII और DII इनकी शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग ज़्यादा हो जाएगी, अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के बारे में। अब देखिए कौन कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत सारी, SGFC, रिलायंस, DSP, आदित्य बिरला। अगर आप देखते हैं तो देखिए टोटल 60 स्कीम्स ने इसको खरीदा है, 19 स्कीम्स ने बेचा है। 60 स्कीम्स देखिए कितनी, ABSL, DHFL, बहुत सारी, DSP ब्लैक रॉक, DSP स्मॉल कैप के बहुत सारे फंड्स ने, रिलायंस है,
सुंदरम फाइनेंस है, तो इन्होंने बहुत सारी कंपनीज, इवन टाटा के मिड कैप ग्रोथ फंड, इन कंपनीज म्यूचुअल फंड्स ने भी इसको बाई करके रखा हुआ है। एक नज़र देखिए ग्राफ की तरफ, ग्राफ देखिए बहुत बेहतरीन ग्राफ आपको दिख रहा होगा, अगर आप टेक्निकल ग्राफ देखें तो देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया एक ट्रेंड, देखिए अप गया फिर हल्का सा डाउन है, फिर अप गया फिर हल्का सा डाउन है, एक ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रखी है, एक पैरेलल ट्रेंड लाइन देखिए आप, उसी से ही बाउंस बैक हुआ है और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे गया था और नीचे ये सपोर्ट मिला इसका 191 के अराउंड का सपोर्ट मिला, वहाँ से बाउंस बैक होके फिर नीचे 191 के पास आया, फिर वापस बाउंस बैक हुआ है। तो अच्छी जो बाइंग रेंज मुझे दिखती है स्टॉक में वो है 188-190 के अराउंड की बाइंग रेंज, पहली बाइंग रेंज। कभी भी हो स्टॉक भैया, हर चीज़ में डिस्काउंट आ सकता है, आने वाले टाइम पर आपको ये स्टॉक मिल सकता है 145 रुपये के अराउंड भी, ज़रूर हैरानी वाली बात नहीं है। स्टॉक गिरते हैं, जब गिरते हैं तो ऐसे इन सपोर्ट लेवल्स पे अच्छा खासा, ये एक बहुत बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 144-145 की रेंज का, गिरते ज़रूर हैं। कभी आपने देखा होगा कितने भारी भारी स्टॉक भी नीचे गिरते हैं, टाइम सबको झुका सकता है, ये तो स्टॉक है जी। तो इन लेवल्स पर अगर आपको मिलता है तो अच्छा बाई मैं कहूँगा इस उसमें। चलिए एक नज़र डालते हैं, जो पेरेंट कंपनी है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड है, 890 का इसका शेयर प्राइस है और अगर आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की, अर्निंग पर 64 का है। ये है इसकी पेरेंट कंपनी जीएफसी गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। आप ये देखिए इसका अगर आप ग्राफ देखें तो ये इसका ट्रेंडिंग ग्राफ है, 5 साल पहले 229 पर, आज की डेट में ऑलमोस्ट 900 के अराउंड है। तो ये पेरेंट कंपनी है आइनॉक्स लेजर की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रोमोटर की हिस्सेदारी बढ़ी और शेयर में आया उछाल, ये है आइनॉक्स लेजर की बात। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।